ये पिक्चर में जो दिखाया उससे भी ज्यादा होने वाला है। हमारा आर्मी उतना स्ट्रोंग हो गया है, हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेन आए हैं जो घुस के अंदर कब मार के कब निकल जाएंगे बाहर पता भी नहीं चलेगा। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों हमारे साथ में है मनोज देसाई सर, जीटी गैलेक्सी सिनेमा एंड मराठा मंदिर सिनेमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम सर। बॉलीवुड प्रेमी, बड़ी पिक्चर रिलीज हुई है हमारी बॉलीवुड की तरफ से, फाइटर ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण। पहला दिन है आज, जानना चाहेंगे आपसे कि जीटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर में कैसी ऑक्यूपेंसी है और ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा? सर मैं फूल चाहता था लेकिन फूल नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। 70% ऑक्यूपेंसिटी यहाँ है और मराठा मंदिर में अभी तक, अभी फर्स्ट शो है वहाँ करीब कुछ 60% है, 60%। वंडरफुल। मतलब आज थर्सडे वर्किंग डे होने के बावजूद इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी है। और कल 26 जनवरी तो आई एम श्योर की अच्छी जाएगी, फूल जाएगी। yes. क्योंकि ऊपर वाला मालिक है। yes. और जनता जनार्दन है, पब्लिक है जो सब जानती है, ये मेरा तकिया कलाम है। ट्रेलर देखा था आपने? सब मार्वेलस। कैसा लगे सर? बहुत प्यारा लगा था, डेशिंग ट्रेलर। ऋतिक ने प्लेन चलाया है, बहुत अच्छी बात है। काफी अच्छा रहा दीपिका पादुकोण उसका दोनों का, और पेर भी अच्छी है दोनों, और देश के लिए काम किया है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। डायलॉग्स बहुत पावरफुल देखने मिल रहे हैं सर पिक्चर में। ऋतिक रोशन कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन आप जानते कि बाप कौन है और मालिक कौन है। बहुत ज्यादा पावरफुल डायलॉग्स है। कई कई ओवरसीज में इस फिल्म को भी बैन किया गया है सर, यूएई साइड में। हाँ, यूएई साइड में बैन किया है, और काफी कुछ ऐसी चीज है जो खुल्लम खुला। और इसका जो डायरेक्टर है कमाल का है, पठान का डायरेक्टर है। yes. तो सिद्धार्थ आनंद कमाल की चीज है, तो जो किया है बिल्कुल हकीकत बताई है, और ये हकीकत पाकिस्तान को पता चलनी चाहिए कि आजकल पाकिस्तान ईरान के साथ उंगली करके हमारी उंगली कर रहा है। वो किससे क्या उंगली करता है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे से सीधे रहो ना यार, हम तुम्हारे साथ सीधे हैं, तुम हमारे साथ सीधे रहो। और ये अगर तुम सीधे नहीं रह सकते तो फिर ये पिक्चर में जो दिखाया उससे भी ज्यादा होने वाला है। हमारा आर्मी उतना स्ट्रोंग हो गया है, हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेन आए हैं जो घुस के अंदर कब मार के कब निकल जाएंगे बाहर पता भी नहीं चलेगा। तो बोलने का मकसद ये है, पड़ोसी हो, अच्छे दोस्त बन के रहो। सर आपके जो थिएटर है मराठा मंदिर एंड जीटी गैलेक्सी, ये मुंबई के सर्किट के मेन थिएटर माने जाते हैं, और आपने जैसे कहा कि 70% और 60% की ऑक्यूपेंसी में फाइटर ने ओपन किया है, लेकिन आप हाउसफुल चाहते थे। इसके पहले सिद्धार्थ आनंद ने वॉर, पठान ऐसी फिल्में लेके आए थे, और फर्स्ट शो से, सुबह के शो से आपने हाउसफुल लिए। जी जी, इसलिए मैं वो सोच रहा था, लेकिन चलो 26 जनवरी कल है, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे है, तो ये पिक्चर जानी जानी है। पिक्चर की पावरफुल डायलॉग, ऋतिक के दीपिका पादुकोण के साथ काम करना, अच्छी जोड़ी बनना, ये पिक्चर चलेगी चलेगी। बाकी और बात है, वापस बोलूंगा वही तकिया कलाम। yes. ये पब्लिक है जो सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, हमारे अयोध्या में हमारे राम लल्ला पधारे है, इस पे आपका क्या? बस एक ही बात कहनी थी, बरसों की प्रतीक्षा थी। yes. एक छोटी सी झोपड़ी में राम लल्ला लेते थे और बरसों से रहते थे, और बरसों से हम ये चाहते थे कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को और यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये काम मुकम्मल किया वो भी बधाई है मेरे तरफ से। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं बड़ी चैन की नींद सोया हूं। थैंक यू। आखिरी सवाल एडवांस बुकिंग पे, इस पिक्चर की एडवांस बुकिंग, पहले प्रेडिक्शन आया हमारे ट्रेड वालों से कि 40 करोड़, फिर आए 30, अभी 20 से 25 का ओपनिंग आज के दिन, पहले दिन का ये कह रहे, ये कम क्यों होते गया सर? क्या आप समझ में नहीं आ रही बात? ये हमारे देशवासियों को हमारा देश प्रेमी पिक्चर पसंद नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से पिक्चर उठेगी जैसे जैसे पब्लिक बाहर देख के पब्लिक रिव्यू देगी, एक पब्लिक दूसरे पब्लिक को रिव्यू देगी तो ये उठेगी। फिर बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में किस्मत और पब्लिक के हाथ में।
एब्सोल्युटली सर, जैसे पहले मैटिनी शो का रिपोर्ट आता है हम आपको जरूर भेजेंगे एंड वापस आएंगे आपके पास वीकेंड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बात करने के लिए। थैंक यू बोलना चाहूंगा मनोज जी आपकी टीम की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।